अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे सब लोग? अच्छे ही हो गए और खैर से हो गए। चलो रमज़ान आना शुरू हो गए, 2-3 दिन है, तो मेरी तैयारी आहिस्ता आहिस्ता चालू हो चुकी है। तो मैंने पहली बार बना पहली फर्स्ट बना रही हूँ चिकन चीज़ बॉक पेटिस। चलो ये देखिए, इसलिए मैंने इसको मिर्ची को ज़्यादा पीसी हूँ, दरा दरा आधा रख दूंगी डीप फ्रिज में रख के, और बाकी का इसमें इस्तेमाल करूँगी। और ये चिकन के पीसेस, ये और चीज़। ये ब्लॉग मेरा रमज़ान के आने से पहले का था, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता जैसा टाइम मिल रहा है वैसा मैं डाल रही हूँ। आप ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ये देखिए मैं कर रही हूँ पैन गरम। अब इसमें लगेगा, लग जाएगा मस्का, मस्का की क्वांटिटी है ना। इसमें मस्का डालने के बाद ये देखिए इसमें डाली हूँ मैंने मस्का, वो भूनने तक। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा ये दरदरा पिसा हुआ, ये देखिए है ना, दरदरा पिसी हुई मिर्ची, जो आप आपके हिसाब से डालना जो आप तीखा खाते हो, है ना। और फिर जाएगा इसमें, आपको दिखाती हूँ, एक चम्मच मैदा। ओके ये देखिए जाएगा मैदा, इसको भी अच्छी तरह से अपन भून लेंगे, है ना। ये देखो मस्के में मैदा, ग्रीन का पेस्ट और जाएगा। अभी इसको अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता भून लेंगे और फिर डालेंगे इसमें दूध, है ना। ये देखो इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लो, क्योंकि उसमें गाढ़ा ना हो जाए, तो फिर सॉस तैयार नहीं, अपन मीठा सॉस तैयार करेंगे इसमें। ये देखिए इसको मैं अच्छी तरह से अभी मिक्स करूंगी, पहले गुटलियाँ नहीं आए इसलिए जल्दी जल्दी इसमें फास्ट। ये देखिए अपना सॉस तैयार हो चुका है ना, सॉस तैयार हो गया। अब इसमें डालूंगी मैं चिकन, अब जाएगा इसमें चिकन। ये देखिए तो मैंने उबाल के पीस के रख दी थी, वो जाएगा, है ना। अब फिर इसको भी अच्छी तरह से अपन मिक्स करके ले लेंगे, दिखाते हैं आप मेरे को। और आपके हिसाब से इसमें अभी काला मिर्ची जाएगी, मैं इसको अच्छी तरह से अब भून के लूंगी। ये देखिए हो गया ना मिक्स, ये देखिए। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से आप काला मिरी ऐसा बना के देखो, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं डालूंगी एक चम्मच काला मिरी पाउडर, ये देखिए है ना। और फिर डालूंगी इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए आपके टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से वापस से अपन इसको ये देखें मिक्स करेंगे और हिलाते रहेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें टाइम आया है चीज़ डालने का, तो मैं डालूंगी अमूल चीज़, जो आपके पास जो अवेलेबल है वो आप डाल सकते हो। ये देखिए हो गया। अब बच्चे आपके कैसे खाते वो हिसाब से आप चीज़ डाल देना। अब इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करके लूँगी, ये देखिए। और ये खाने में इतने टेस्टी रहते हैं, मेरी अविया तो इतना शौक से खाती है ना ये। अब इसको मैं अच्छी तरह से मेल्ट होने तक हिलाती रहूँगी। आप कैसा बनाते हैं, आपका आप कौन से स्टाइल से बनाते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये देखिए किसी को अदरक लहसुन पसंद है, तीखा पसंद है, तो आप ज़्यादा मिर्ची डाल सकते हैं। अब ये चीज़ पूरा मेल्ट हो जाएगा इसमें और फिर ये
हो जाएगा। अब से बीच बीच में एक सब गिरा हुआ है वो मैं पोंछती रहूंगी, इससे गैस अब सब हटाती रहूंगी। ये देखें इसको अच्छी तरह से मेल्ट होने तक हिलाने का। चाहे तो अगर पतला चाहिए तो इसमें आप दूध भी डाल सकते हैं। देखिए मिल्क पाउडर का भी दूध अच्छा रहता है, मिल्क पाउडर जो इस्तेमाल करते हैं ना वो भी इसमें डाल सकते हैं। माशाल्लाह ज़रूर बोलिए। इंशाल्लाह जो रमज़ान महीने में बनाऊंगी वो आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करिए पसंद आ रहा है तो, और छोटा सा कमेंट भी कीजिए। और सबको रमज़ान मुबारक, चांद मुबारक। अल्लाह ताला सबका रमज़ान अच्छे से खैर और सुकून से रहने की दुआ करो। और चीज़ इसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा भी डाल सकता है, तो इसको अच्छी तरह से मैं ऐसे भूनते रहूँगी अभी। और इसमें जो ज़्यादा पीसी थी मैंने मिर्ची पाउडर, सॉरी हरी मिर्ची, इसको अभी मैं एक डब्बे में भर के फ्रिज में रख दूंगी क्योंकि ये काम आती ही रहती है। ये देखिए अभी मैं इसको रखूंगी डब्बे में भर के। और ये देखो पूरा मेल्ट हो चुका है ना। अब इसको ठंडा होने के बाद इसमें बॉक्स में भरूंगी, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए है ना कैसा हो गया, वैसा होना चाहिए चीज़ के जैसा जो आप पिज़्ज़ा में खाते, तो बच्चे लोग को खाने भी मज़ा आती है ना। चलो अब इसको बनाते हैं और फिर मिलते हैं। ये देखिए बनाना हम लोग ने चालू कर दिए है ना। ये देखिए इसमें मैंने बनाई हूँ गेहूँ के आटे का लिक्विड। अब यह भर रही है बॉक पेटीज, कैसा भरती हूँ दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसा भरते जाने का, तो इसको थोड़ा सा पैक करके। अब ये थोड़ा कम लगा लिक्विड, थोड़ा थोड़ा इसका ही लगा। ये देखिए अब मैं इसको फ्रिज में रख के फ्रीज करूँगी और फिर एक थैली में अच्छी तरह से भर के फ्रिज में रख दूँगी। पहले बनाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। चलो तो एक साइड में मैं ये भी काम कर रही हूँ छीलने। ये देखिए रेडी हो चुका है ना। अब मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में, फ्रीज़र में, दिखाती हूँ आप लोगों को।